अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? अच्छा, अपना अलहमदुल्ला बिजाई शुरू कर लगे हैं मकई की। फिलहाल तो कसाई कर रहे हैं, प्लंटर की मशीन तुम्हें ब्लॉग दिखाया से दोस्तों, प्लंटर की मशीन उतारियां से वो सारी ओवरहालिंग सर्विस की हैगी है। अज वो कसाई हो रही है, प्लंटर के नाल मशीन एडजस्ट कर रहे हैं। यह दोस्तों खड़ा अपना ट्रैक्टर 385 चौधरी जरीफ फार्म का ट्रैक्टर, मशीन नालों उतार लिया से प्लंटर के, क्योंकि मशीन लैदा लगती है ना प्लंटर के नाल, खेल वाला प्लंटर लैदा होंगे, मशीन फिर लैदा होनी है। उतार के सारी ओवरहालिंग की सैटिंग वगैरह की इन्हों की, सैटिंग करके अच्छे तरीके मशीन ना लानिया पैंदियां, क्योंकि उन्होंने घूमना होंगे हिसाब से बड़ी एडजस्ट सैटिंग करके फिर कसना पैंदा मशीन। बाकी दूसरी गल यह है कि अजकल ठंड हैगी, ठंड की वजह तो मकई जरा लेट उगाओ होंगे, मकई का जर्मीनेशन लेट हो जाती है, तो इस वास्ते असी एक होर तजर्बा किया वो भी दोस्तों ने शेयर करते हैं, वो जरा मक्की जल्दी उगाओ करे आँदी है, जिथे मतलब उन्हें 15 दिन च करना उत्थे 5-6 दिन 7 दिन के उगाओ मक्की का हो जाता पूरा, वह भी दोस्तों ने शेयर करा ब्लॉग एंड तक वेख्या जे। फिलहाल मशीन जनाब एडजस्ट कर रहे हैं, सारी ओवरहालिंग मशीन की हो गई है, मशीन प्लंटर के नाल लगा के फिर शुरू करते हैं बिजाई, वो भी दोस्तों शेयर करते हैं। फिलहाल मशीन सैटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दोस्तों क्लोज करके इस वास्ते, क्योंकि अजी एडजस्ट जी बहुत अच्छे तरीके करनी पैंती है, इन्हें घूमना होंगे सामने एक लाख जहाँ बहर हों बिल्कुल सेंटर च करना हों जिथे उन्हें आके लगना हों घूमना घूमने वास्ते, क्योंकि मशीन अपना घूम अपना खुद ही लेंदी है चक्कर, घूमन की वजह तो नहीं वेचे दिन गिरा रही है, वो वर्क कर दी है, बाहरों इन्हों होर मतलब कोई चीज़ घुमा नहीं है। दोस्तों समय नज़र आ भी रहा, पेचकस फसा के जरा सैटिंग करके बिल्कुल लेवल ते ले आ के फिर इन्हें कसाई करनी पैंती है, आम बंदे दे काम नहीं है, जरा जो तजर्बाकार बंदा होगा वही ये कसाई कर सकता। मशीन सारिया पई है नज़र आ रही हैं, लो जी आ गए फार्म के डेरे च आ गए, खाद दानी ड्राइवर साहब जनाब लद रहे हैं, प्लंटर को जाएंगे खाद हलां रख के लै जाएंगे, और बी दी थैलियाँ पई है किन्ने किलो ब किले बी पैंदा किन्ने किलो की थैली है किन्ने किले की है एक किले की 8 किलो 1 किले का सीड हैगा जनाब किरदा प्लंटर किरदा 8 किलो 1 किले च, बाकी खाद भी नाल DAP सरसब्ज पा रहे हैं, एक बोरी फी एकड़ पै रही है, एक बोरी फी एकड़ डेढ़ बोरी फी एकड़ पै रही है जनाब, खाद आप जनाब डेढ़ बोरी DAP थले पा रहे हैं नाल इहदी प्लंटर दे नाल सीड दे नाल, घरों एक बारी लद के लै दियां वा खाद दियां बोरियां, इत्थे फिर सीड दे विच इत्थे फिर फार्म दे विच उस हिसाब नाल जे हिसाब नाल फिर थोड़ी थोड़ी करके ले जांदे, ट्राली दा काम जा नहीं सकदी, इस वास्ते हलां ते रख के ट्रैक्टर मगर पा के लै जाईदा वा। बाकी दोस्तों दिखाने आ प्लंटर भी ते चल रहा, वो भी दिखाने दोस्तों नूं। इस फील्ड में जनाब चौपा हो गया मुकम्मल, खिलां छलां निकल गई हैं, मकई की बिजाई कंप्लीट हो गई है इस प्लाट के, नज़र आ रहा नीचे चौपा लगे है, जिवें उवें महसूस होंदा जिवें हत्थां नाल चुंडियां लाई हुई हैं, यह चीज़ नज़र आ रही है, वह निशान चौपियां दे बने हुए हैं। यह प्लाट हो गया कंप्लीट, हुण सिर्फ जिहड़ा नोक में रह जांदे आ साइडां दी कटाई वगैरह करी दी है गड्डी दी, वो चीज़ रह गई है, नोकमें लग रहे हैं, बाकी नज़दीक आ रहे ट्रैक्टर दिखाने दोस्तों नज़दीक तो प्लंटर चलता हुआ।
धुप निकली सी लेकिन फिर धुंद तो काफ़ी आ गई है। सुबह निकली है 10-11 12 बजे तक, फिर उपर बदल आ गया, धुंध भी आ गई, हवा चल गई है, लगता कि रात को फिर धुंध ज़्यादा पै जानी। एवं थोड़ा घंटा 2 घंटे बाद निकलिया सूरज, आईटी सेंटर से लगा हुआ भैया जरा चला सिस्टम सारे न। अगले इन्हें सिर्फ अगली खाद वाला सिस्टम चलाना होंगे, बाकी पिछे जोड़ा है इन्होंने अपने आप ही आ सिस्टम चलाना, मशीन ने अपने आप ही चलना होंगे। अजय बोल घूमती इन्हें वजह सारा सिस्टम बेच ही इन्हों की वजह तो चलता है, बिचों गदारियां वगैरह भी। इस सिर्फ जरा वही फिरकी लगी है पिछे आ पही इन्हें अगे खाद वाले चैन और डबल जा रहा नज़र आ रहा, सिर्फ खाद वाले सिस्टम चलाना है, बाकी मशीन ने अपने आप ही सिस्टम सारा चलाना है। पिछों पही स्परिंग लाए हुए नज़र आ भी रहे, स्परिंग उतरे हुए, ये दबा ज़्यादा पाते उ मिट्टी ज़्यादा जी है, वैसे कोई ठंड हैगी है तो उगाओ यदा जरा लेट आता, इस बार स्परिंग उतारते हैं दोवें तो दबाओ नहीं आ रहा चोपे दे, मिट्टी हल्की फुल्की आ रही है तो जल्दी निकलेगी मकई। इस तरह स्परिंग ला दो तो फिर दबाओ प्रैशर ज़्यादा आ जाता, दबाओ पै जाता तो फिर मिट्टी काफ़ी उत्ते बराबर कर देंगे, मिट्टी उत्तर ज़्यादा जी है, इस वास्ते उगाओ मक्की का लेट होंगे। दिन निकले हुण धुप्पां लगन तो जल्दी उगा हो जाता, हुण हैगा धुंदा धुप नहीं हैगी, इस वास्ते मक्की बहुत लेट उग रही है, इस वास्ते है हुण स्परिंग उतार के मिट्टी थोड़ी उत्तों आएगी तो उगाओ जरा जल्दी हो जाएगा। असी यह तजर्बा किया अलहमदुल्ला, अल्लाह करे कामयाब होएगा कि स्परिंग उतारते है इन्हों के, इस वास्ते मिट्टी का उत्ते बिल्कुल थोड़ी बहुत मिट्टी आती है, चोपा लगे नज़र आ रहा, उतो खलान भी नज़र आ रहा, मिट्टी उत्ते ज़्यादा नहीं आ रही कि उगाओ मकई का जल्दी हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, दो इजाज़त, अपना ख्याल रखा जी, अल्लाह निगेबान।